यार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। दर्शकों आज हम बात करेंगे पल्लवी पटेल को लेकर। लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी और पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन के खिलाफ हमलावर रही थी, और जाहिर सी बात है उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ जिस तरीके से हमला बोला था, और उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि अखिलेश यादव मुस्लिमों की राजनीति से खुले तौर पर बोलने से बचते हैं, जाहिर सी बात है कि अब पल्लवी पटेल इंडिया गठबंधन से बाहर किए जाने के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद से वो हाथ मिलाती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान पीडीए का नारा दिया था, यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, इसके विरोध में जो है कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल ने पीडीएम का नारा दिया और अपना मोर्चा ही खोल दिया असदुद्दीन अवैसी के साथ मिलकर। लेकिन अब जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की जो रणनीति रही है, जाहिर सी बात है नगीना लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद आजाद समाज पार्टी एक नए विकल्प के तौर पर पेश हुई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं बल्कि पूरे के पूरे उत्तर भारत की राजनीति में। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की यह रणनीति है कि आने वाले विधानसभा चुनाव, खासतौर पर अगर हम बात करें बिहार या फिर झारखंड, दिल्ली, ये तमाम जो राज्य हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं चुनाव होने वाले हैं। आजाद समाज पार्टी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहती है, चंद्रशेखर आजाद इस कवायद में जुट गए हैं। इसी कड़ी में चंद्रशेखर आजाद और पल्लवी पटेल के गठबंधन के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पल्लवी पटेल को जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाया था, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा था कि पल्लवी पटेल की जो मांगे हैं वो हम पूरी नहीं कर पाएंगे, यानी पल्लवी पटेल ने 3 सीटों की मांग की थी, अखिलेश यादव ने खुले तौर पर इनकार कर दिया। उसके बाद से देखा गया कि असदुद्दीन अवैसी के साथ उनका गठबंधन हुआ और पीडीएम का नारा दिया गया, लेकिन ये सारी योजनाएं लोकसभा चुनाव में धराशाही नजर आई और लोकसभा चुनाव में करारी हार मिली पल्लवी पटेल को। लेकिन अब जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल अपना योगदान दे सकती है, आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।